सर सिर्फ 17 दिन बाकी रह गए हैं वोटिंग को, काफी कम समय है, जबकि पिछली बार देखा जाए तो एक भी सीट नहीं थी, तो इस बार कितनी मेहनत कर रही है? आपने देखा होगा कि 2017 की विधानसभा चुनाव में जब अहमद पटेल जी की इलेक्शन हुई थी तब सिर्फ 43 धारासभ्यों ने उस वक्त कांग्रेस को वोटिंग किया था, और ये चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस क्या 43 भी मेंटेन कर पाएगी क्या, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त काम किया, प्रदेश के सभी नेताओं ने एक साथ मिलकर पूरी ताकत से वहाँ पर विधानसभा में प्रदर्शन रहा, गुजरात की जनता का जो अपार समर्थन और प्यार कांग्रेस को मिला उससे हम अच्छे पोजीशन पर विधानसभा में पहुंच गए हैं, और इस बार आप देखेंगे कि जो अपेक्षा कांग्रेस से गुजरात की जनता की है उससे दिखता है कि बहुत अच्छी सीटें हम पाएंगे, आधे से ज़्यादा कम से कम सीटें हमारी आएगी, और आने वाले समय में गुजरात में गुजरात की जनता की जो अपेक्षा गुजरात से कांग्रेस की तरफ से जो अपेक्षा है उसके ऊपर हमारा काम होगा। 26 जिस प्रकार से फॉर्म भरे गए हैं, एक दो जगह पर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन ये परिवार है तो परिवार में बैठकर एक दो दिन में सब सुलझा जाएगा, लेकिन जो देश में जिस प्रकार से माहौल बनते जा रहा है और ख़ासतौर से गुजरात में, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अपेक्षा गुजरात की तरफ से है। तो सर इस बार का चुनाव पर्टिकुलर देखा जाए जिस तरीके से कैंडिडेट है, लग रहा है कि पाटीदार और ओबीसी पे मेन फोकस किया है, क्योंकि 9 सीट पे ओबीसी, 8 सीट पे पाटीदार है। जहाँ पर स्थानिक लोगों की बात रही, सबसे चर्चा रही, वहाँ से जो डिमांड आई है, वहाँ से जो लोगों में से जो नाम आया है वो नाम को जिम्मेदारी दी है, और मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, मैं पहले से पिछले एक साल से ये कह रहा था, और मुझे प्रभारी बनकर भी लगभग एक साल हुआ, तो एक साल से मैं कह रहा था कि गुजरात से हम आश्चर्यजनक नतीजे कांग्रेस के लिए लाएंगे, क्योंकि गुजरात के जनता का प्यार कांग्रेस के प्रति दिन ब दिन बढ़ रहा है, और यही आने वाले 17 दिन में आपको दिखेगा कि गुजरात की जनता कांग्रेस के साथ थी भी और अब भरपूर अपार समर्थन कांग्रेस को मिलेगा। सर अंतिम सवाल, सर चुनाव आते ही नेशनल हेराल्ड में अहमद पटेल का नाम आया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ये स्टाइल रही है कई नॉन इश्यूज को चर्चा करवाना, इस देश के सामने गुजरात के सामने अगर कोई इशू है तो खेडूतों को मदद करना है, जो रोजगार के अवसर गुजरात में नहीं मिल रहे हैं उसके ऊपर काम करना है, और गुजरात के बेसिक इश्यूज के ऊपर काम करना है, उसका फोकस हम पूरा रखेंगे। थैंक यू सर। बीजेपी को बंटवारों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत है, मैंने अभी भी कहा था कि एक दो सीट पर कोई इश्यूज है, ये परिवार है, हम साथ में बैठेंगे, एक दो दिन में सब सेटल होगा और पूरी ताकत